साथियों जय महाकाल। साथियों यह मेल हथेली है। इस हथेली का आकार सुंदर है और वृत्ताकार है और रंग भी सुंदर दिखाई दे रहा है। इनके हथेली में कुछ रुकावटें और परेशानी भी नजर आ रही हैं, लेकिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं जो उन्हें वाहन मकान आदि का सुख देंगे। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि इन्हें राजनीति में किस प्रकार की सफलता प्राप्त होगी, क्या राजनीति में अच्छा पद प्राप्त हो सकता है, या धन की क्या स्थिति रहेगी और भाग्य का कितना साथ मिलेगा। ध्यान से देखना वीडियो और अंत तक देखना, अहम जानकारी देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका जो अंगूठा इस तरह का दिखाई दे रहा है, इनके अंगूठे का आकार सुंदर है और अंगूठा थोड़ा सा कर्व हो रहा है। इस तरह का अंगूठा जब कभी कर्व होता है तो दिखाता है कि ऐसे जातक हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं और परिस्थिति के अनुसार ढल जाने वाला स्वभाव होता है। इस तरह के योग का चिन्ह जब कभी किसी जातक के हाथ में बनता है तो दिखाता है कि ऐसे जातकों के अंदर धार्मिक भावना अधिक होंगी, भावुक होते हैं, सहृदय होते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले होते हैं, कदर करने वाले होते हैं। इनके जो अंगूठे का प्रथम पर्व इस तरह नुकीला हो गया और काफ़ी झुका हुआ है तो सामाजिक दृष्टि से उत्तम माना जाता है, लेकिन इनके उच्च महत्वाकांक्षाओं के मुकाबले इनकी तर्क शक्ति का क्षेत्र अधिक मजबूत दिखाई दे रहा है। इनकी महत्वाकांक्षाएं तो हैं लेकिन यह थोड़ा सा तार्किक भी हैं, जो तर्क शक्ति में विश्वास रखते हैं, तर्क वितर्क करने में पीछे नहीं हटते हैं। इसके साथ ही इनका शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस पर आड़ी रेखा थोड़ी सी मानसिक परेशानी भी दे रही है और जो चिंताओं का शपथ दे रही है, यानी थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी। लेकिन इनके हथेली में यह जो निम्न मंगल का क्षेत्र या उच्च मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल के क्षेत्र में यहाँ पर शत्रुओं की संख्या भी नज़र आ रही है। इस तरह की अधिक संख्या में आड़ी रेखाएँ होना थोड़ा सा परेशानी देते हैं, वाद विवाद के संकेत देते हैं, जब कभी इस तरह का यहाँ पर जाल बनता दिखाई दे रहा हो और इन उंगलियों पर इस स्थान पर भी थोड़ी सी रुकावटें दिखाई दे रही हैं तो ऐसा दिखाता है कि शत्रुओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में होगी। इनसे जलन करने वाले लोग काफ़ी होंगे। इन्हें बात बात पर यानी इन्हें बीच बीच में नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके साथ ही इनकी जो जीवन रेखा दिखाई दे रही है, यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा पर इस तरह की रुकावटें भी नज़र आ रही हैं, यानी शुरुआती दौर में जीवन में थोड़ा सा शारीरिक कष्ट, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, और इन्हें थोड़ा सा चिंताएं भी रही होंगी। इसके बाद जो इनकी मस्तिष्क रेखा नज़र आ रही है, मस्तिष्क रेखा तो सुंदर है। इस तरह के मस्तिष्क थोड़ा सा आगे से डाउन हुई लेकिन सीधा चली गई है। लंबी मस्तिष्क रेखा इनके तेज बुद्धि को दिखाती है, इनकी बौद्धिक क्षमता मजबूत होगी और यह काफ़ी साहसी होते हैं, साहस इनके अंदर भरा होता है। इसके साथ ही इनकी जो इस तरह की मस्तिष्क रेखा मजबूत मस्तिष्क को दिखाती है, उच्च महत्वाकांक्षाओं को दिखाती है, थोड़ा सा साहसी हिम्मती स्वभाव होते हैं, यह वाद विवाद भी कर सकते हैं जीवन काल में, थोड़ा सा उग्र स्वभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन इनकी जो हृदय रेखा दिखाई दे रही है, हृदय रेखा का जो स्वरूप है यानी हृदय रेखा इस तरह की दिखाई दे रही है, हृदय रेखा तो अच्छी है लेकिन यहाँ पर एक शाखा इस तरह की हो गई है। हृदय रेखा इस तरह सीधे ही एक शाखा यहाँ से इस तरह हो गई और कुछ शाखा नीचे की तरफ डाउन होती है, एक शनि रेखा भी मजबूत बनती दिखाई दे रही है। इस तरह की शनि रेखा दिखाती है इनका धार्मिक स्वभाव होगा और इनकी जो यह क्षेत्र होता है गुरु का क्षेत्र होता है, जो तर्जनी उंगली होती है गुरु की उंगली, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली जब शनि की उंगली की तरफ यानी मध्यमा उंगली की तरफ झुकाव कर जाती हैं तो दिखाते हैं कि अब धार्मिक भावना वाले होते हैं, शांति प्रिय होता है, थोड़ा सा एकांतपन इनके अंदर बसा रहता है, मन में थोड़ा सा शांत मन रहता है, एकांत प्रिय होते हैं। इसके साथ जो इनकी यह सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली दिखाई दे रही है, कनिष्ठा उंगली इस तरह की दिखाई दे रही है जो अनामिका उंगली के प्रथम पर्व से थोड़ा सा करीब में आ गई है, यह बौद्धिक क्षमता को मजबूत कर रही है और यह बौद्धिक क्षमता का क्षेत्र भी माना जाता है। बुद्ध जो होता है बौद्धिक क्षमता का क्षेत्र होता है, बौद्धिक क्षमता का प्रतीक होता है, बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस स्थान से व्यापार का भी देखा जाता है, यानी व्यापार की स्थिति भी इसी स्थान से देखी जाती है, इनकी व्यापार स्थिति भी मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे जातक अगर व्यापार करते हैं, स्वतः का कार्य करते हैं तो उसे अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं, कंसल्ट का कार्य कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्र होता है सूर्य का क्षेत्र होता है, सूर्य के क्षेत्र में इनकी गौर से देखिए कुछ इस तरह की रेखाएं जो थोड़ा सा खंडित हो रही है, यानी रुकावटें दे रही, परेशानी दे रही। इस तरह की रेखाएं जब कभी किसी जातक के हाथ में होती हैं तो थोड़ा सा पारिवारिक कष्ट को बढ़ा देती हैं, थोड़ा सा पारिवारिक कष्ट, पारिवारिक तनाव रह सकता है जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ यहाँ पर इस तरह का चिन्ह भी बनता दिखाई दे रहा है जो बहुत उत्तम चिन्ह माना जाता है। इस तरह का चिन्ह जब कभी यहाँ पर दिखाई देता है तो दिखाता है ऐसे जातकों को अपने जीवन काल में एक बार, यानी जो एक मध्ययुग के यानी इनको जो 35 वर्ष और 38 वर्ष के बाद का समय होता है, उस काल में एक ऐसा समय आता है जब इन्हें अचानक से कोई अच्छा पद या अच्छा नाम और कुछ ना कुछ इन्हें ऐसी चीज़ हासिल हो जाती है जिसके आधार पर काफ़ी
कामयाब हो जाते हैं, काफ़ी नाम इनका करा देती है जीवन काल में, या फेम को दिखाती है, नेम को दिखाती है। इसके साथ ही इनकी इस तरह की सूर्य रेखा और इस तरह की झुकी हुई अनामिका उंगली, अनामिका उंगली इस तरह को झुकी हुई और सीधी दिखाई दे रही है। अगर इनके राजनीति की बात करें तो बहुत अधिक सफलता के योग तो नहीं दिखाई दे रहे हैं वर्तमान में। अगर ये राजनीति में जाने का प्रयास करते हैं तो राजनीति से जुड़कर लाभ ले सकते हैं, लेकिन खुद के चेहरे पर कोई बड़ा दांव नहीं लगा सकते हैं, बड़ी कामयाबी के योग नहीं दिख रहे हैं। यानी कोई अगर चुनाव लड़ते हैं MLA MP आदि का चुनाव, तो उसमें थोड़ी सी परेशानी, इन्हें छोटे स्तर से शुरुआत कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छा कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं। लेकिन बड़े पद की बात करें, राजनीति में सफलता की बात करें, वर्तमान में सफलता का योग मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी भाग्य रेखा जो दिखाई दे रही है, यह जो इनकी रेखा भाग रेखा चंद्र पर्वत से निकल, इस तरह की रुकावटें हैं और इस तरह की दिखाई दे रही है। ऐसी भाग रेखा यह दर्शाती है कि ऐसे जातकों के जीवन में रुकावटें दिखाती है, यानी वर्तमान में पूर्ण तरह से भाग्य पर रुकावटें बनी हुई हैं। इनके शत्रु की संख्या इस तरह की दिखाई दे रही है और इसके साथ ही यहाँ पर जो रुकावट है इस तरह का दिखाई दे रहा है, तो दिखाती है कि ऐसे जातकों को विलंब से साथ मिलता है, भाग्य का साथ विलंब से मिलता है। इसके साथ इस तरह की रेखाएं आपस में इस क्षेत्र में होना यह दिखाता है कि तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा आदि का शिकार भी होना पड़ सकता है, पितरों का शिकार होना पड़ सकता है। इन्हें इष्ट की आराधना करनी चाहिए, कुल देवी देवता की आराधना से इन्हें अधिक फल की प्राप्ति होती है। वर्तमान में इनके ऊपर रुकावटें हैं, भाग्य के साथ में विलंब बना हुआ है और तंत्र आदि की दिक्कतें हो सकती हैं, या किसी ऊपरी बाधा से या कुल के देवता से रुष्ट होने की संभावना रहती है, जिस वजह से इन्हें इनकी आराधना करनी चाहिए। इसके साथ इस तरह का चिन्ह बनता दिखाई दे रहा है। जब कभी हथेली में इस तरह के वर्ग के चिन्ह गुरु के क्षेत्र में बनते हैं तो दिखाते हैं कि बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। अभी बहुत गहरा बहुत पूर्ण तो नहीं हुआ, लेकिन बनते दिखाई दे रहे हैं, जो इन्हें दिखाता है कि यह इनके गुरु का बल बढ़ा देता है और यह नेम फेम दिलाता है और कार्य में अधिक सफलता दिलाता है अपने जीवन काल में, जब यह रेखा पूर्णतया पूर्ण और गहरी हो जाएगी। इसके साथ ही इस तरह का चिन्ह भी बनता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनकी जो जीवन रेखा की एक शाखा इस तरह चली गई और एक शाखा यहाँ से इस तरह एक नज़र आ रही है, मणिबंध रेखा के ऊपर इस तरह की रेखाएं दिखाई दे रही और यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट वाली रेखाएं दिखाई दे रही हैं। पेट संबंधी थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, इन्हें आहार व्यवहार में यानी खान पान में सुधार रखना होगा। बाकी इन्होंने जीवन में थोड़ी सी मेहनत भी की होती है और लोगों से जुड़कर कार्य करने की अपेक्षा भी रखते हैं। इन्हें वर्तमान में इष्ट की आराधना सर्वोपरि है, इनकी करनी चाहिए। घर व सुख की बात करें तो वर्तमान में इनके घर का सुख तो बना हुआ है, यानी घर एक घर का योग बन चुका है, यानी प्लाट या जमीन का योग बन चुका है। लेकिन अगर मजबूत घर व अच्छी प्रॉपर्टी की बात करें तो आने वाले 3-4 वर्ष के करीब में इन्हें घर प्रॉपर्टी का अच्छा योग बनेगा। इन्हें इसके साथ ही नित्य भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव प्रमुख देव माने गए हैं, उनकी आराधना अवश्य करनी चाहिए हर जातक को। क्योंकि इनकी जो यह भाग्य रेखा है चंद्र के करीब से निकले, चंद्रमा मन का कारक है और इस तरह का योग दिखाई देना, यानी गौर से देखिए यहाँ पर इस तरह का योग थोड़ा सा ग्रहण और चंडाल ग्रहण बना रहा है, तो यह दिखाता है कि ऐसे जातक सर्वप्रथम गुरु की आराधना करनी चाहिए। इनके ऊपर जब गुरु की दशा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी तो उस अवस्था में इन्हें गुरु की आराधना अवश्य करनी चाहिए, तभी इनके पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर इनके आलोर जीवन की बात करें तो जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, जीवन में अच्छे फल होंगे, भविष्य भी इनका उज्ज्वल रहेगा, लेकिन कुछ संघर्ष रुकावटें बीच बीच में बनी रहेंगी। ऐसी अवस्था में इन्हें इष्ट की आराधना करनी चाहिए और नित्य अपने कुलदेवी व देवता की आराधना करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर जीवन की बात करें तो जीवन लंबा रहेगा, अच्छा जीवन जिएंगे और इसके साथ स्वस्थ रहेंगे। थोड़ी सी रुकावटें शुरुआत में हो चुकी हैं, लेकिन अब आने वाले समय में जीवन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी उतार चढ़ाव, पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, लेकिन विशेष परेशानी की बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। परिवार की दृष्टि से अच्छा रहेगा और उनके पुत्र पौत्र भी अच्छे होंगे, यानी पुत्रों की संख्या ठीक रहेगी, संतान से सुख रहेगा और इनका जो जीवन रहेगा, व्यापार में अगर कार्य करते हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में अधिक लाभ हो सकता है, कंसल्ट से जुड़ा कार्य कर सकते हैं या जर्नल स्टोर से जुड़ा कार्य कर सकते हैं, जमीन से भी इन्हें फायदे के योग बने हुए, यानी प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं नज़र आ रहा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।